बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडे धर्मशाला में कार्यकर्ताओं से मिलने और एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला पहुंचने के बाद मंगल पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, यह सरकार 5 महीने के लिए नहीं बनी है बल्कि 5 साल के लिए चुनी गई है। उन्होंने कहा कि एक ही कैबिनेट या सरकार के मंत्रियों को विकास कार्यों के निर्धारण के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त चाहिए। उन्होंने कहा कि वह ये मानते हैं कि 50 दिनों में भाजपा सरकार ने जो चुनावों में वायदे किए थे उन पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व की सरकार भ्रष्टाचार से घिरी थी और अब की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार माफियों से घिरी सरकार थी और अब की सरकार माफियों से मुक्त है। पांडे ने कहा कि आज की सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने वाली सरकार है। चुनावों के दौरान भाजपा का जो विजन डॉक्यूमेंट था उसके अनुसार जो विकास करना था सरकार ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि 2021 में हिमाचल के गठन को 50 साल पूरे होंगे तो हमने स्वर्णिम हिमाचल का नारा था, उस नारे के अनुरूप भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में काम कर रही है। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर पांडे ने कहा कि भाजपा का संगठन हर चुनाव को गंभीरता से लेता है और लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी कार्य में जुट गई है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर हमारे अच्छे तरीके से संगठन बने हुए हैं, उन्हें थोड़ा और चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम भी जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता ने भाजपा को भारी जनादेश दिया था उसी प्रकार से आने वाले लोकसभा चुनावों में भी प्रदेश की जनता भारी जनादेश देकर प्रदेश की चारों सीटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालेगी, क्योंकि हिमाचल की जनता मोदी से प्यार करती है और उनके विकास पर भरोसा करती है और उनके सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ना चाहती है। लोकसभा चुनावों में नए चेहरे को चुनावों में उतारा जाएगा या नहीं के जवाब पर पांडे ने कहा कि उनका काम पार्टी को मजबूत करना है और उम्मीदवारों का चयन करना पार्टी समिति का काम है। देखते हैं। मैं ये मानता हूं कि इन 50 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की जनता से जो वायदे किए थे उन वायदों पर काम करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो भ्रष्टाचार से घिरी थी आज भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, यहाँ माफियाओं से मुक्त सरकार है। यहाँ कई तरह के माफिया पूर्व की सरकार पर हावी थे, आज की जो सरकार है वो माफियाओं से मुक्त है। आज की जो सरकार है वह अपराधियों पर लगाम लगाने वाली सरकार है और जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था उस विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर हिमाचल का जो हमको विकास करना है 2021 में हिमाचल के गठन के 50 साल पूरे होंगे तो हमने स्वर्णिम हिमाचल का जो नारा दिया था उस स्वर्णिम हिमाचल के नारे के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री जयराम सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में काम कर रही है, नीतियां बना रही है, कार्यक्रम बना रही है और उसके एग्जीक्यूशन में लगी हुई है। देखते हैं हिमाचल के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर चुनाव को गंभीरता से लेता है और लोकसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी लग चुकी है। बूथ तक हमारे अच्छे तरीके से संगठन बने हुए हैं, उन संगठनों को और थोड़ा मोबिलाइज करना, उनके लिए नए कार्यक्रम देना, उनको विभिन्न प्रकार के जो हमारे केंद्र सरकार के कार्यक्रम है और राज्य सरकार के जो अभी कार्यक्रम आएंगे उन योजनाओं की जानकारी के साथ जनता के बीच भेजना, सरकार की उपलब्धियों को बताना, ये सारी योजनाएं पार्टी के स्तर पे बन रही हैं जो आगे आने वाले दिनों में दिखेंगी। मैं इतना जरूर भरोसे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से हिमाचल की जनता ने एक बड़ा जनादेश 2/3 का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है लोकसभा चुनाव के ठीक 1.25 साल पहले, लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह का जनादेश या इससे बड़ा जनादेश नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हिमाचल की जनता देगी, क्योंकि हिमाचल की जनता नरेंद्र मोदी जी को न केवल प्यार करती है बल्कि उनके विकास और सबका साथ सबका विकास के नारे पर विश्वास करती है। और एक बार फिर से चारों सीटों पे कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीत के जाके नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेगा। सर, क्या नए चेहरे के आने की भी यह मेरा विषय नहीं है, यह पार्टी का
जो चुनाव समिति होता है उसका विषय होता है। मेरा काम पार्टी का काम देखना होता है।